बुखार, फिर लिम्फ नोड्स यानी लसिका ग्रंथियों में सूजन और फिर आपकी पूरी बॉडी में बड़े बड़े दाने। कोविड 19 के शुरू होने के 2 साल से ज्यादा समय के बाद अब अगली पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी दुनिया भर में फैलने की कगार पर हो सकती है और आप इसके संपर्क में आने वाले शुरुआती लोगों में से एक हो सकते हैं। अगर आपको मंकी पॉक्स हो जाता है तो आपकी बॉडी पर क्या असर होगा? कैसे देश से बाहर जाए बिना भी आपको ये बीमारी हो सकती है और कितने चांसेस हैं कि हम अगली वायरल बीमारी के फैलने की कगार पर हैं? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर आपको मंकी पॉक्स हो जाए। मंकी पॉक्स वो अगला वायरस है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है और ठीक कोविड 19 की तरह ये जूनोटिक है, मतलब ये किसी इन्फेक्टेड जानवर से भी आप तक पहुंच सकता है। ये काफी हद तक स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता है, लेकिन ये ठीक वैसा नहीं है। बस कोविड 19 से अलग मंकी पॉक्स कई दशकों से हमारे बीच में है। 1970 के दशक से सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में इसे रिपोर्ट किया जा रहा है और हाल ही में ये वायरस दुनिया के वेस्ट वाले हिस्से में भी दस्तक देने लगा है। एक चीज जिससे साइंटिस्ट्स चिंता में हैं, वो ये है कि इन्फेक्ट होने के लिए आपका अफ्रीका तक जाना भी जरूरी नहीं है। देखिए, दुनिया ने पहले भी मंकी पॉक्स के केसेस का सामना किया है। जो लोग इन्फेक्टेड हैं, वो शायद इस बीमारी को नाइजीरिया से लाए होंगे, जहां लोग 2017 से इस बीमारी के फैलाव का सामना कर रहे हैं। लेकिन इस बार ये अलग है। ऐसा लग रहा है कि ये किसी के साथ नजदीकी संबंध बनाने से भी फैल सकती है। हालांकि हेल्थ अथॉरिटीज इस बात को तय नहीं कर पा रही हैं कि मंकी पॉक्स सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के बाहर है या नहीं, पर यहां एक दिलचस्प थ्योरी है। इस थ्योरी के हिसाब से ये पता चलता है कि आप सेक्सुअल संबंधों के दौरान भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। इससे पहले कि आप बहुत ज्यादा जोश में आ जाएं, साइंटिस्ट्स अब भी ये नहीं जानते कि मंकी पॉक्स सिर्फ सेक्सुअल संबंधों के रास्ते फैल सकता है या नहीं, लेकिन आपको ये किसी इन्फेक्टेड शख्स के बॉडी फ्लूइड से, दानों से या मुंह और नाक से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स की वजह से हो सकता है। पर साइंटिस्ट्स ये जरूर जानते हैं कि अगर आप एक इन्फेक्टेड जानवर के बॉडी फ्लूइड्स के संपर्क में आते हैं तो आपको मंकी पॉक्स हो सकता है। और इससे पहले कि आप बंदरों के पास अलर्ट रहना शुरू कर दें, इनका इस वायरस के फैलने से लेना देना नहीं है। मंकी पॉक्स आमतौर पर ट्री स्क्विरल्स यानी पेड़ों की गिलहरियों, रोब स्क्विरल्स यानी धारीदार गिलहरियों और डोरमाइस जैसे छोटे जानवरों से फैलता है। अगर आप में यह वायरस होता है तो आपको तुरंत पता नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन यानी रोग बढ़ाने का पीरियड 5 से लेकर 21 दिनों तक का होता है। तो हो सकता है कि आप आराम से अपनी रोजाना की जिंदगी जीते हुए अपने आसपास के लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हो। जब इन्फेक्शन की शुरुआत होगी तो जो पहली चीज आप नोटिस करेंगे वो है बुखार। आपके सर में भयानक दर्द होगा और आपको बहुत थकान महसूस होगी और ये लक्षण 5 दिनों तक रह सकते हैं। शुरुआत में ये चिकन पॉक्स या चेचक से ज्यादा अलग नहीं होगा, बस आपके लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाएगी, तो इन पर अच्छे से नजर रखें। बुखार आने के 3 दिन के अंदर चीजें बिगड़ने लगेंगी। आपको अपने पूरे चेहरे, हाथों और पैरों पर रैशेज यानी लाल निशान नजर आने लगेंगे। 70% चांसेस हैं कि आपके मुंह के अंदर फोड़ा हो जाएगा और 30% चांसेस हैं कि ये रैशेस आपके प्राइवेट हिस्सों तक फैल जाएंगे। इसका असर आपकी आंखों पर भी हो सकता है। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो और आपकी बॉडी पर सिर्फ कुछ ही दाने आए, या हो सकता है कि आपको हजारों दानों को सहना पड़े। पहले ये ऐसे दिखेंगे जैसे आपकी स्किन पर थोड़े से उठे हुए दाने हों, फिर इनमें एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भर जाएगा। 1 या 2 दिन में ये फ्लूइड पीले रंग का हो जाएगा और लगभग 1 हफ्ते के बाद आपके दाने सूखकर गिरने लगेंगे। इतना बुरा नहीं है, है ना? बदकिस्मती से ये और भी बिगड़ सकता है। हो सकता है कि मंकी पॉक्स आपकी बॉडी पर हमला करने वाला अकेला वायरस ना हो। ये काफी गंभीर परेशानियों को अपने साथ ला सकता है, जैसे निमोनिया, दिमाग का इन्फेक्शन या इंसेफेलाइटिस और आंखों के सफेद हिस्से यानी कॉर्निया का इन्फेक्शन। और मंकी पॉक्स के लिए कोई तय इलाज नहीं है।
स्मॉल पॉक्स के एंटीवायरल से आप मंकी पॉक्स के लक्षणों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप इन लक्षणों के लिए ढेर सारे फ्लूइड्स पीना और अच्छा खाना खाना भी आजमा सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि आपको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी हो। साइंटिस्ट्स ने इस बात को पक्का किया है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन मंकी पॉक्स के लिए लगभग 85% कारगर होती है। इसके अलावा आप कुछ हफ्तों में ठीक हो सकते हैं। बस आपकी स्किन पर कुछ निशान इस बात की याद के तौर पर बचे रह जाएंगे कि आपको मंकी पॉक्स हुआ था। कुल मिलाकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है और लॉकडाउन के डर से सामान इकट्ठा करने की भी जरूरत नहीं है। एक बार फिर बता दें कि मंकी पॉक्स COVID-19 नहीं है। ये एक कमरे में बैठे लोगों में ऐसे ही नहीं फैलने वाला। साथ ही मंकी पॉक्स नया नहीं है। हम COVID-19 का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमारे पास मंकी पॉक्स वायरस से जुड़ी कई दशकों की जानकारी है और एक कारगर वैक्सीन भी। तो चलिए इस बात पर घबराते नहीं है, बशर्ते हम ये ना सोच लें कि हमें सारी वैक्सीन्स को एक साथ बंद करना है। ये करना कैसा होगा, जानने के लिए देखते रहें क्या हुआ कर। एक और बात, हमें न्यूक्लियस मेडिकल मीडिया का इन शानदार 3D एनिमेशंस के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आप ज्यादा सटीक साइंटिफिक मेडिकल विजुअल्स देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक के जरिए इनके चैनल पर जाएं।